राहुल गांधी ने किरीट सुमैया के आरोपों को किया खारिज, कहा दुनिया दुकानों के केस में दे चुका हूं एफिडेविट। अगस्ता मामले को लेकर 7 मई को दिल्ली में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी। अगस्ता केस में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी से लगातार तीसरे दिन पूछताछ, सूत्रों के मुताबिक कल पूछताछ में 3 कंपनियों में शेयर होने के बाद कबूली। दिल्ली में पतंजलि उत्पादों के साथ लालू प्रसाद से मिले रामदेव, योग गुरु ने गोल्ड क्रीम से चमकाया आरजेडी का चेहरा। रामदेव ने पहले लालू को कराया अनुलोम विलोम, फिर खिलाई एनर्जी बार, आरजेडी सुप्रीमो ने खुद को बताया रामदेव का परमानेंट ब्रांड एम्बेसडर। पतंजलि की औषधि में हड्डी चूरे के आरोपों से लालू ने झाड़ा पल्ला, बोले हड्डी मिलाने से मिलता है अमरत्व, तो क्या है हर्ज। राज्यसभा के सदस्य बने ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार के मुखिया प्रणब पांड्या, मोदी सरकार ने किया नॉमिनेट। कल पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण का मतदान, 2 जिलों की 25 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। यूपी के फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी की रैली, सरकार की उपलब्धियों को घर घर पहुंचा रहे हैं नेता और कार्यकर्ता। चंडीगढ़ में अकाली बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों का जोरदार प्रदर्शन, पुलिस ने पहले दागे वाटर कैनन फिर किया लाठीचार्ज। बिहार के दरभंगा में नीतीश कुमार का विरोध, मिल चालू करने को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन। राज्यसभा चेयरमैन ने मंजूर किया विजय माल्या का इस्तीफा, 3 मई को माल्या की ओर से मिली थी चिट्ठी। महिला सुरक्षा को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा सरकार बदल गई हालात नहीं बदले। उत्तराखंड मामले पर शुक्रवार को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट की निगरानी में शक्ति परीक्षण से जुड़े सवाल पर अटॉर्नी जनरल ने मांगा है वक्त। पंजाब विधानसभा चुनावों पर गरमाई सियासत, अमृतसर में आम आदमी पार्टी ने लगाए पोस्टर, एक सर्वे के हवाले से 100 सीट मिलने का किया दावा। आम आदमी पार्टी के सर्वे में कांग्रेस को 10 और अकाली गठबंधन को 7 सीटें मिलने का दावा, बीजेपी ने पोस्टर के खिलाफ पुलिस में की शिकायत। पुरानी डीजल गाड़ियों के बैन के खिलाफ टैक्सी ड्राइवरों का प्रदर्शन, राजघाट से सचिवालय तक कपड़े उतार कर की नारेबाजी। दिल्ली में डीजल टैक्सी यूनियन की धमकी, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया साथ तो निजी और सरकारी गाड़ियों का करेंगे चक्का जाम। वाराणसी में लापता सांड के नहीं मिलने पर मालिक ने प्रशासन पर उतारा गुस्सा, पूछा 24 घंटे में मिल सकती है आजम खान की भैंस, तो मेरी नंदी अब तक लापता क्यों। लाठीचार्ज से नाराज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों का रेल लाइन पर हल्ला बोल, घंटों तक ठप रखी ट्रेन। लुधियाना में किसानों पर मौसम की मार, भारी बारिश की वजह से बर्बाद हुई गेहूं की फसल। यूपी के रामपुर में सरकारी उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं किसान, कम दामों में मंडी में बेच रहे हैं गेहूं, बिचौलियों का बोलबाला। यूपी के बिजनौर में गन्ना किसानों का विरोध प्रदर्शन, जल्द से जल्द भुगतान की मांग को लेकर डीएम के दफ्तर पर धरना। जारी है समाजवादी पार्टी से निकाले गए विधायक रामपाल यादव के खिलाफ कार्रवाई, सीतापुर में जमींदोज किया गया अवैध होटल। दिल्ली से सटे नोएडा में आग का कोहराम, बीच सड़क धू कर जली डीटीसी बस। मध्य प्रदेश के इटारसी में मंचले की धुनाई, महिला मुसाफिरों ने जमकर की पिटाई। मध्य प्रदेश के बड़वानी में सड़क हादसे में बच्चे की मौत के बाद हंगामा, गुस्साए लोगों ने सड़क पर लगाया जाम, आगजनी। पटना में 3-स्टार होटल की कुर्की करने पहुंची पटना पुलिस, बाद में अदालत ने दिया स्टे ऑर्डर, मालिक पर जमीन कब्जा करने का आरोप। राजस्थान के भरतपुर में पेड़ से लटका मिला 22 साल के युवक का शव, परिवार वालों ने जताया हत्या का शक। मध्य प्रदेश के खरगोन में 3 बच्चों के साथ महिला ने की खुदकुशी, पारिवारिक कलह को लेकर थी परेशान। यूपी के शामली में चोरों का आतंक, खेताब कारोबारी के घर से ले उड़े लाखों के जेवरा। भोपाल के करीब एक गांव से 7वीं क्लास के छात्र का अपहरण, पुलिस ने घोषित किया 10,000 का इनाम। दिल्ली से सटे नोएडा में नाबालिग लड़की से सामूहिक बलात्कार, 3 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में वाहन चोरों का धावा, सेफ्टी अलार्म बजने से हुए फरार। इंदौर की रहने वाली पत्रकार पूजा सिंह की मौत में बड़ा खुलासा, मुंह बोली भाभी उषा भाटिया ने इंस्पेक्टर अमित को ठहराया मौत का जिम्मेदार। पूजा की मुंह बोली भाभी का खुलासा, पहले से शादीशुदा है इंस्पेक्टर अमित, धोखे में रखकर पूजा से की थी शादी।
आरा के एनएस मॉल में हुए बम धमाका केस में चार लोग गिरफ्तार, दो जिंदा बम और हथियार बरामद, 29 अप्रैल को हुआ था विस्फोट। झारखंड के जमशेदपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने 5 नाबालिग लड़कियों के साथ सरगना को दबोचा। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में टोल प्लाजा पर तोड़फोड़, 2 दर्जन से ज्यादा गुंडों ने मचाया बवाल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सड़क हादसे का शिकार हुए होटल मैनेजमेंट के छात्र, कार पलटने से 2 की मौत। राजस्थान के अलवर में मिलावटखोरों पर शिकंजा, छापे में 165 किलो मिलावटी घी और 1400 किलो मिलावटी पनीर बरामद। राजस्थान के दौसा के एक अस्पताल में नवजात बच्चे को छोड़कर फरार हुई महिला, मासूम की हालत गंभीर। इलाहाबाद के फर्नीचर गोदाम में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। राजस्थान के चुरू में एक जोड़े ने जहर पीकर की खुदकुशी की कोशिश, पुलिस को प्रेम प्रसंग में वारदात का शक। यूपी के हाथरस में बाइक सवार 3 बदमाशों ने कारोबारी से लूटी 20 किलो चांदी, गोली मारकर किया घायल। हाथरस में चाय की दुकान में घुसी बेकाबू कार, 1 शख्स की मौत, 1 घायल। मथुरा में पैसेंजर ट्रेन में लाश मिलने से सनसनी, ऊपर की सीट पर लेटे थे बुजुर्ग। मथुरा में 4 बाइक सवार ने की टेम्पो ड्राइवर की हत्या, परिजनों ने लगाया आपसी रंजिश में वारदात का आरोप। यूपी के बरेली में मोबाइल दुकान चलाने वाले 1 शख्स ने बनाया सुसाइड का वीडियो, 1 पुलिसकर्मी पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। झारखंड के लातेहार में अपराधियों के हौसले बुलंद, घर में घुसकर एक युवक को मारी गोली। राजस्थान के बीकानेर में सिलेंडर विस्फोट से हड़कंप, लाखों के नुकसान की आशंका। हरियाणा के रोहतक में दिन दहाड़े फायरिंग, 3 बदमाशों ने की युवक की हत्या। हरिद्वार में अवैध खनन से जुड़े ट्रक को पकड़ने पर बवाल, पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, कांग्रेस के नेता और उनके समर्थकों पर आरोप। भारत नेपाल सीमा पर रक्सौल में 50,000 के जाली नोट, एसएसबी ने 3 तस्करों को दबोचा। दिल्ली से सटे नोएडा में ट्रैफिक पुलिस की नई पहल, ट्रैफिक पर काबू पाने के लिए ड्रोन कैमरों की ली जाएगी मदद। बेंगलुरु में महिलाओं की सुरक्षा के लिए नई पहल, केएसआरटीसी बसों में लगाए जाएंगे पैनिक बटन। राजस्थान में धौलपुर के अस्पतालों में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, ओपीडी से लेकर वार्ड तक में कचरे का ढेर। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कलेक्टर ने निभाई पंडित की जिम्मेदारी, मंत्री के सामने किया पेयजल योजना का भूमि पूजन। सूखे से जूझ रहे महाराष्ट्र में पानी बचाने के लिए वेस्टर्न रेलवे की नई पहल, कोच को साफ करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं आधुनिक उपकरण। शहरों में दिखने लगा जंगलों में लगी आग का असर, अल्मोड़ा में पीने के पानी की भीषण किल्लत। जंगलों में लगी आग को लेकर एनजीटी सख्त, पर्यावरण मंत्रालय, उत्तराखंड सरकार और हिमाचल सरकार से मांगा जवाब। कुदरत ने उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर डाला पानी, लेकिन कुछ इलाकों में प्रशासन को अब भी करनी पड़ रही है मशक्कत। हिमालय के जंगलों में लगी आग का मॉनसून पर नहीं होगा असर, मौसम विभाग का दावा। दिल्ली में बादलों की आवाजाही के बीच बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज हवाओं और आंधी की वजह से गिरा तापमान।